हाय, मेरा नाम प्रभाष है। मैं मास्टर्स कर रहा हूँ TIS कॉलेज से, टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस। RD में स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ। मैं इस मार्क के 2018-19 बैच का हूँ। और मेरी कैसी जर्नी रही और मैंने क्या सीखा, तो पहले मैं इंट्रोड्यूस करूँगा कि मतलब कैसे मैं सर से कैसे मिला। मैं नॉर्मली बच्चों की तरह ऐसे नहीं कि मतलब मेरे किसी ने काउंसलिंग किया है, मेरे किसी ने बताया कि इस मार्क पे जाना है। मेरे भाई ने बेसिकली मुझे सजेशन दिया कि तुम मिल लो, तुम्हारे जो दिमाग में चल रहा है, थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, तुम उनसे जाके बात करोगे, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, तुम्हें करना क्या आगे, तुम्हारा क्या करना है। तो मैं मिला उनसे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें करने का क्या प्लान है। बस हमारा ऐसी इनफॉर्मल मीटिंग थी, मिलने गया था मैं उनसे ऐसे ही। तो उन्होंने मैंने बोला कि मुझे सोच रहा हूँ किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ और मेरी मैथ्स अच्छी है तो मैं इजीली क्रैक कर सकता हूँ। फिर उन्होंने बहुत ही मुझे एक हक से, अपने छोटे भाई के हक से उन्होंने मुझे बोला कि बेवकूफ़ी मत करो, पूरी दुनिया यही चीज़ कर रही है, सब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में, और सारे बच्चे अपना फिर फ्यूचर ख़राब करें। बेटर यह है कि तुम सिर्फ यहाँ के पढ़ाई करो और जो तुम्हारा मन करे, कैट का, टेस्ट नेट का, जो भी मन करे तुम अपना दे देना, एग्ज़ाम दे देना। और उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे का नहीं बोला, फिर मुझे पूछा नहीं कि कब तुम्हें आने का मन है। बिल्कुल उन्होंने हक से मुझे बोला कि तुम अभी बैठो, और मुझे बैठा कर उन्होंने 1-1.5 घंटे मुझे पढ़ाया उस दिन मैथ्स। तो हमेशा से मेरे साथ हमेशा से ये स्टडी का ये रहा कि मैं कभी भी ऊपर ऊपर से मुझे पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, तो मैं जाता हूँ थोड़ा डीप हो, क्या रूट ऑफ कॉज, क्या कैसे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। तो मैं सबके सर के पास गया था, मुझे पता चला कि फॉर्मूला बेसिकली कैसे डिराइव कैसे होता है, फॉर्मूला कैसे आया कैसे है, जो कि मुझे आज तक किसी ने बताया नहीं। कुछ भी मैंने इंजीनियरिंग पढ़ता हूँ, मुझे सिर्फ ऊपर ऊपर से मुझे पढ़ाया गया, बट जब मैं सर के पास पढ़ा तो मुझे उतना डीप नॉलेज पता चला कि फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है। तब मेरा इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो गया कि मैथ्स सब, क्योंकि पहले से मुझे अच्छा लगता था, बट मुझे अब और अच्छा लगने लगा क्योंकि मेरे को डीप पता चलने कि अच्छा ये फॉर्मूला ऐसे आया है, कुछ इसके पीछे कोई ट्रिक नहीं होता है। आप मैथ्स के आप कुछ आप फॉर्मूला याद करके एग्ज़ाम में नहीं दे सकते हो, इसका कुछ ना कुछ कोर है, कोई कॉन्सेप्ट है। और हमेशा से मैं कभी भी थोड़ा सा डीमोटिवेट होता, हमेशा मुझसे वो यही बोलते थे कि प्रभाष कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो मैथमेटिशियन को नहीं ढूंढ रही है, वो सिर्फ ये देखना चाहती है कि आप कितने एनालिटिकल, कितना आप सोचते हैं, कितना आप क्रिएटिव माइंड है, कितना आप लॉजिकली सोच रहे हो, कितना आप एनालिटिकल हो। तो मुझे मेरे एक साल में यही डेवलप हुआ, मैं एनालिटिकल हो गया, सोचने लगा, और इन सबों की चीज़ें मुझे बूस्ट इस तरीके से मिला कि मुझे, मैं कभी भी मैथ्स पढ़ता था तो मुझे हमेशा से अपॉर्चुनिटी देते थे, ये बोलते थे कि तुम मैथ्स पढ़ लिए तुम्हारा एक कंप्लीट हो गया, तुम अपने अपने बैच के बच्चों को पढ़ाओ या फिर जो दूसरे बच्चे हैं जो बिगनर्स हैं उनको पढ़ाओ। तो मुझे लगता था कि मतलब मैं कभी ऐसा सोचता नहीं था कि मतलब कि मुझे नहीं पढ़ाना है, ऐसा मेरे मज़ा आता क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा, बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं पढ़ाता था। बट मुझे पता नहीं चल रहा था उस टाइम कि मेरे अंदर क्या है, बेसिकली क्या डेवलप क्या हो रहा है मेरे अंदर, कोर क्वालिटी क्या डेवलप हो रही है। मैं उनको पढ़ाता था, फिर मुझे पता चला कि जब मैं अपने कॉलेज गया तो पहले मैं बहुत ही डरता था प्रेजेंटेशन से, फिर जब मैं कॉलेज गया मुझे पता चला कि मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे को ये डेवलप हुआ क्योंकि मैं जब मैथ्स पढ़ा रहा था वहाँ पर तो मैं बच्चों को ऐसे पढ़ाता था कि उन्हें कुछ पता नहीं है, उन्हें बिल्कुल बेसिक तरीके से बताना है। जब मैं प्रेजेंटेशन देता था तो मेरे को इसी तरीके से बताया था कि उन्हें बिल्कुल बेसिक, इतना ईजी तरीके से बताना है कि उन्हें समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोलना क्या चाह रहा हूँ। ये मैटर नहीं करता आप इंग्लिश में बोल रहे हो, आप हिंदी, बस आप जिसको बताना चाह रहे हो आपकी बात समझना चाहिए। तो मुझे ये वहाँ से डेवलप हुआ, तो मैं आजकल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंसली मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ अपनी क्लास में। उसके बाद से सर के साथ मेरा हमेशा से रिलेशन बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि हमेशा वो मेरे फीलिंग्स को समझते थे, मेरे इमोशंस को समझते थे, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता था तो मेरे मम्मी पापा के साथ नहीं रहता था, अपनी बहन से रहता था, वो भी बेसिकली ऑफिस में रहती थी, तो कभी भी कुछ भी बात होती थी, इमोशन होता था कि मैं उनसे शेयर कर लेता था कि ये मेरे साथ प्रॉब्लम चल रही है सर, मैथ कॉन्फिडेंस तेरा लो चल रहा है। तो वो मुझे ऐसा नहीं कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं करते थे वो कि तुम्हें अब ऐसा करो ये करना है, वो मुझे बोलते थे प्रभास तुम्हें करना ही है और हो जाएगा तुमसे और तुम कर लोगे, वो मुझे बोलते थे जाओ करके आओ, ये नहीं बोलते थे कर लोगे, जो बोलते थे करके आओ वो चीज़, और ऐसा टारगेट देते थे। तो बहुत ही अच्छा लगता था कि मतलब कि हाँ मेरे अंदर वो कोई बिलीव कर रहा है वो चीज़, इससे पहले शायद ही मैं फाइंड आउट नहीं कर पाया था कोई मेरे में इतना बिलीव करता है मेरे अंदर, और मेरे को लगता है इसकी वजह से मेरे अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंस है, मैं खुद पे बिलीव करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने मेरे पे इतना बिलीव किया, इतना भरोसा किया कि मैं आज अपने पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ, अपने पोटेंशियल पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ मैं। और आज के डेट में मैं सर से बहुत सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, मैं कभी परेशान होता हूँ अपने कॉलेज में तो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो शायद है बहुत ही अच्छे तरीके से वो स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी समझते हैं कि क्या बच्चा चाहता क्या है और क्या सोचता क्या है। तो आज के डेट में बहुत ही अच्छा है, और क्या बोल रहा है, जब तक आप जाएंगे नहीं, आप बात नहीं करेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि स्मार्क है क्या। स्मार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, स्मार्क अलग ही जगह है वो, मेरे लिए तो दूसरा घर था,
कई बच्चों के लिए वो मंदिर टाइप का है, क्योंकि उन्होंने सर ने ऐसे ऐसे बच्चों का फ्यूचर बनाया है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बच्चे कुछ ग्रॉसरी स्टोर में काम करते थे बिग बाज़ार में, वो आज टेस्ट से पास आउट हैं, बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं। मैं उनसे मिल के आया हूँ, मिला हूँ, तो मैंने देखा कि कैसे चेंजेस आए हैं उन बच्चों के अंदर। मुझे लगता है कि मेरी बहुत अच्छी जर्नी रही है, मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट है स्मार्ट। मुझे बहुत कुछ लर्निंग वहाँ से सीखने को मिली है, मेरे बिहेवियरल चेंजेस बहुत कुछ आए हैं मेरे अंदर। मुझे लगता है कि आप अगर कोचिंग भी नहीं भी जा रहे पढ़ने, तो एटलीस्ट आप मिल सकते हैं सर से, आपको कुछ अगर परेशानी हो कभी भी आपकी ज़िंदगी में। तो थैंक यू सो मच।